27 साल से सत्ता से बेदखल अपनी खोई जमीन तलाशती कांग्रेस पार्टी को क्या अब ये कर्ज माफी झोला बचा पाएगा? यूपी में कांग्रेस का मेगा प्लान क्या होगा, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी है सिर्फ हमारे पास। आपको मैं राहुल गांधी के बिना ब्रेक वाले 2500 किलोमीटर की पदयात्रा के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले खोलेंगे ये कर्ज माफी झोला जिसे प्रशांत किशोर ने खास कांग्रेस के लिए तैयार किया है। इस कर्ज माफी झोले में एक पैम्फलेट है, कुछ स्टिकर्स हैं और साथ ही एक बैच है। तो आइए जानते हैं कि क्या है खासियत इस पैम्फलेट की। ये पैम्फलेट एक पत्र के तौर पर किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे। इसमें किसान अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे और इसका एक हिस्सा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, और जबकि दूसरा हिस्सा किसान अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं। फिर बारी आती है इस बैच की। ये वो बैच है जिसे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अपने कपड़ों पर लगाकर गांव की गली गली में जाकर उन किसानों से मिलेंगे जो कि कर्ज में डूबे हुए हैं। उन किसानों से मिलते वक्त वो नेता उन्हें उनके घर और उनकी गाड़ियों के लिए कुछ स्टिकर्स भी देंगे। यूपी में कांग्रेस की इमेज को रिवाइव करने के लिए ये पूरी स्ट्रेटजी प्रशांत किशोर ने बनाई है, और इस पूरी स्ट्रेटजी की खास बात यह है कि इस स्ट्रेटजी में राहुल गांधी 2500 किलोमीटर की जब पदयात्रा करेंगे तो 2 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के पास यही पर्चा लेकर जाएंगे, उनसे ये पर्चा भरवाएंगे और इसी पर्चे के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कर्ज माफी की मांग करेंगे। ये स्ट्रेटजी यूपी में कांग्रेस की वापसी के लिए प्रशांत किशोर ने बनाई है।